नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आसा। सियासत में यूं तो मुद्दों की कमी नहीं होती और फिर वो गाहे बगाहे उठते रहते हैं। कभी अपने उठाते हैं तो कभी खिलाफत करने वाली पार्टियां उन मुद्दों को लेकर आसमान सिर पर उठा लेती है। राजस्थान की सियासत में भी पिछले कुछ वक्त से कई ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं जो कभी अपने उठाते हैं तो कभी विपक्षी पार्टियां। दरअसल सूबे की सियासत में अपने किरदार अदा करने वाले कुछ नेता इस वक्त नाराज चल रहे हैं। सूबे के निजाम से वो लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी कोई ना कोई कुर्सी मिल जाए ताकि उनका वजूद भी कायम रह सके। अब देखिए, कोई सूबे में मंत्री बनना चाहता है तो कोई किसी महकमे का मुखिया, लेकिन सूबे की हुकूमत ने फिलहाल इस मुद्दे पर कोई ऐलान नहीं किया। लेकिन हाल ही में दिल्ली से कांग्रेस के आका के नुमाइंदे बनकर जयपुर पहुंचे अजय माकन साहब के सामने भी इस मामले में कुछ लोगों ने अपनी फरियाद रखी। चर्चाएं हैं कि माकन साहब ने सूबे के मुखिया गहलोत साहब से भी इस मुद्दे पर चर्चा की और जो बात अंदर से निकल कर आ रही है कि अब शायद जल्द ही कुछ हो जाए। दरअसल चार दिन बाद राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और सूबे की हुकूमत की कोशिश है कि इस बार भी वो निगम चुनाव की तरह ही अपने पंजे को और मजबूत कर दे, क्योंकि फिर आने वाले वक्त में सूबे की नई सरकार बनाने की कवायद भी होगी, चुनाव होंगे और उसमें भी वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। तो जाहिर है कि जो भी कुछ होना है वो भी इन चुनावों के बाद ही होगा और उम्मीद की जा रही है कि नए साल में सूबे की हुकूमत में बहुत कुछ तब्दीलियां होंगी। कुछ चेहरे जो पक चुके हैं उन्हें सियासी कुर्सी से उठा दिया जा सकता है और उनकी जगह कुछ दूसरे चेहरों को जगह दे दी जाए। तो साहब इंतजार कीजिए, बस कुछ ही वक्त की बात है और उसके बाद कईयों की लॉटरी भी लग सकती है। और हाँ, चलते चलते एक और मुद्दे पर भी बात कर ली जाए, और बात ये कि कांग्रेस की खिलाफत करने वाली बीजेपी के एक पुराने नेता जिन्हें आप भी बखूबी जानते हैं, कटारिया साहब। जी हाँ, गुलाब जी भाई साहब, उन्होंने तो साहब 6 महीने में ही राजस्थान की हुकूमत के जमींदोज होने का बयान दे डाला। दरअसल एक कार्यक्रम में गुलाब चंद कटारिया ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए और सूबे के निजाम पर सियासी तीर चलाते हुए ऐलान कर डाला कि साहब 6 महीने में ही कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। कहते हैं कि सियासत अक्सर दूसरे के कंधों पर बंदूक रखकर की जाती है और यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दरअसल कटारिया साहब ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के पिछले हालातों को ताजा हालातों से जोड़ते हुए ये बयान दिया, जिसके बाद इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। बहरहाल मायनों का क्या, जैसा सोचिए वैसा निकालिए, रोकने वाला भी कौन है, और सियासत में तो ऐसा चलता ही रहता है। बहरहाल मुद्दों की कमी नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि मुद्दे अगर जनता की सहूलियत के लिए उठाए जाएं तो शायद बेहतर होता है। नमस्कार।